नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम आपसे मिल रहे हैं, लेकिन मिल तो रहे हैं, क्या करें, इस पेंडेमिक ने घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। कभी डेल्टा आता है तो कभी ओमाइक्रॉन आता है, लेकिन क्या करें, खाने का जो स्वाद आना है वो हमें घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर ही देता है। तो आज भी हम पूरे प्रिकॉशंस लेकर, सैनिटाइजर्स और मास्क लेकर घर से निकल रहे हैं और चल रहे हैं आपके साथ एक और स्वादिष्ट सफर पर। रास्ते में आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और वहाँ जाकर हम क्या क्या खाने वाले हैं। और अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो चैनल पे जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए और हमारी जो प्लेलिस्ट है फूड एंड ट्रैवल व्लॉग्स विद लता एंड संजीव, उस पर क्लिक कीजिए। आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फूड एंड ट्रैवल व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर टिंग टोंग कीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं आपके पास वो तुरंत पहुंच जाए। तो चले एक और स्वादिष्ट मजेदार चटकारे भरे सफर पर आइए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दें, ये व्लॉग हमने तब शूट किया था जब थर्ड वेव की रिस्ट्रिक्शंस लागू नहीं हुई थी, तब आना जाना सेफ था और रेस्टोरेंट्स वगैरह पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। आजकल तो सब कुछ बंद हो गया, रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं, इसलिए हमारे व्लॉग्स बनना भी बंद हो चुका है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से हम आपको एंटरटेन जरूर करते रहेंगे। तो दोस्तों आज हम आपको ले चल रहे हैं अपनी 7 सहेलियों से मिलवाने। अरे नहीं नहीं गलत मत समझिए, बीवी साथ में है, बच्चे साथ में है, 7 सहेलियां मतलब आप सबकी 7 सहेलियां, यानी कि हमारे हिंदुस्तान की 7 सहेलियां, यानी कि जिन्हें लोग पॉपुलरली फेमसली जानते हैं एज 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, हिंदुस्तान की 7 बहनें, यानी कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। आप तो जानते ही होंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, असम, ये सारे स्टेट्स आते हैं। हाँ हाँ, त्रिपुरा भी आता है। तो स्टेट्स का नाम सुनते ही ना बड़ा मिस्टीरियस स्टेट्स लगते हैं, पता नहीं है कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आना जाना भी कम होता है क्योंकि काफ़ी दूर जगहें हैं और आना जाना इतना आसान भी नहीं है, और यहाँ का कुजीन कैसा होता है वो भी जाहिर है कि मिस्टीरियस ही होगा क्योंकि जगह मिस्टीरियस है। हम एक बार सिक्किम गए थे, हमें वो जगह बहुत खूबसूरत लगी और वहाँ का लोकल कुजीन भी हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इन 7 सहेलियों से मिलकर उनके हाथ का खाना खाया जाए, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का खाना खाना जाए। अब ये खाना आसानी से मिलता नहीं है, बहुत कम रेस्टोरेंट्स हैं मुंबई में भी जहाँ पर ये खाना मिलता है, और हमें तो आप जानते हैं ऑथेंटिक खाना पसंद है, वो चाहे फिर वो हमें किसी छोटे सी रेस्टोरेंट में जाना क्यों ना पड़े। तो आज हमने बहुत रिसर्च की है और हमें पता चला है कि मुंबई में सेंटा क्रूज ईस्ट में कलीना में छोटी छोटी गलियों में एक ऐसा रेस्टोरेंट, एक ऐसा कैफ़े है जिसका नाम है थॉटरिन कैफ़े। यहाँ पर ऑथेंटिक नॉर्थ ईस्टर्न खाना मिलता है, लेकिन जगह आसानी से नहीं मिलती तो लोगों से पूछना पड़ता है। इन भाई साहब ने हमारी मदद की और हमें बताया कि किस गली में थॉटरिन रेस्टोरेंट है। तो हम बढ़ चले उस गली के अंदर। जी हाँ, थॉटरिन जनरल स्टोर तो आ गया, लेकिन थॉटरिन रेस्टोरेंट कहाँ है? आ जाएगा, तलाश कीजिए। जी हाँ, मिल गया, लीजिए, थॉटरिन कैफ़े आ गया है। और ये बाहर एक महिला है, खूबसूरत सी, प्यारी सी, इनसे पूछते हैं कि हम गाड़ी कहाँ पार्क करें। तो मैडम जी हमें बताइए, आपका रेस्टोरेंट तो हम पहुँच गए हैं, गाड़ी कहाँ पार्क करें? जी हाँ, यही है थॉटरिन कैफ़े। तो कहाँ जाएँ? अच्छा, जहाँ पर भी मिले पार्क कर लीजिए। ठीक है, तो हम जगह ढूंढते हैं और जगह हमें मिल गई है। तो वॉचमैन भैया से हमने बात की, उनसे परमिशन ली, गाड़ी पार्क की और हम पैदल पैदल चल पड़े थॉटरिन कैफ़े की ओर। जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि भूख लग चुकी है और ये मिस्टीरियस खाना क्या होगा ये जानने की भी उत्सुकता है। तो लीजिए, थॉटरिन कैफ़े किंग चिली, थॉटरिन कैफ़े के नाम से भी मशहूर है। किंग चिली यानी कि राजा मिर्च, ये नॉर्थ ईस्ट की मिर्च तो पूरी दुनिया में फेमस है और सुना है कि बहुत ही हॉट यानी कि बहुत ही तीखी होती है, कि एक ही मिर्च डालें अपनी डिश में और पूरी डिश स्पाइसी और मज़ेदार हो जाती है। तो थॉटरिन पहुँचते ही थॉटरिन कैफ़े वालों ने हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया की फील दे दी, यानी कि पहाड़ चढ़ने की फील दे दी। यहाँ सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल स्टीप, बिल्कुल एक स्टीप माउंटेन की तरह। मैडम जी का नाम पूछा, उन्होंने कहा कि मेरा नाम है आजुई। तो आजुई ने कहा, भैया संभल कर एक एक कदम संभल कर ये सीढ़ियाँ चढ़ें और आराम से ऊपर पहुँचें जहाँ पर बैठने की जगह है। बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट है, मुश्किल से 10 या 12 लोग यहाँ पर बैठ सकते होंगे। और आज हम पहुँच गए हैं यहाँ पर और बहुत खूबसूरत से चित्र लगे हैं, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट के अलग अलग जो फेमस चीज़ है उनकी फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई हैं यहाँ पर।
तो जगह सुंदर, फील भी सुंदर। अब आजुई जी बताइए हम खाएं क्या, मुद्दा तो वही है कि हम खाएं क्या। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के जब खाने की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आपके क्या आता है? दो बहुत फेमस डिशेज हैं। जी हाँ, एक है थुक्पा, यानी कि वहाँ का सूप कह लीजिए उसे, और दूसरा है मोमोज, जो पूरे हिंदुस्तान में आजकल बहुत ही फेमस हो गए हैं। और ख़ास कर पे नॉर्थ इंडिया में तो कोने कोने मर आजकल मोमोज के स्टॉल्स लगे होते हैं, रेडियाँ लगी होती हैं, और लोग भरपूर मज़ा लेते हैं मोमोज का। तो आजुई से हमने पूछा, भाई मेनू कार्ड में क्या क्या लिखा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही कुछ डिशेज सजेस्ट कर दीजिए। तो आजुई ने कहा, आप शुरू कीजिए थुक्पे से। तो आ गया है थुक्पा। तो वेज थुक्पा आया है और साथ में चिकन थुक्पा आया है। इसके अंदर देखिए आप कितनी अच्छी अच्छी नूडल्स पड़ी हुई हैं, ये राइस नूडल्स हैं, और बड़ी बड़ी फ्रेश वेजिटेबल्स। और नॉर्थ ईस्टर्न खाने की एक बात बता दें आपको, यहाँ पर स्पाइसेस का बहुत कम प्रयोग होता है, बस वहाँ की वो जो किंग चिली है वही फेमस है, वही पूरे खाने को मज़ेदार कर देती है। ये लोग तेल भी बहुत कम खाते हैं और स्पाइसेस भी बहुत कम खाते हैं। और इनकी खास बात ये है, ये लोग मेनली मुख्य तौर पर नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन इनकी हर नॉन वेज डिश के अंदर खूब सारी वेजिटेबल्स होती हैं। बिना सब्जियों के ये कोई भी नॉन वेज डिश नहीं खाते। जी हाँ, जैसे हम चिकन में पालक डालते हैं, ये लोग पालक में चिकन डाल देते हैं। बहुत ही न्यूट्रिशियस खाना होता है, ये सूप देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। राइस नूडल्स हैं, सब्जियाँ हैं, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही माइल्ड और बहुत ही रिफ्रेशिंग है ये सूप। तो थुक्पा तो हुआ ख़त्म, अब आजुई जी ले आई हैं हमारे लिए स्टीम्ड मोमोज और साथ में नॉर्थ ईस्टर्न चटनी, जो कि मोमोज के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। गरम गरम ताज़ा ताज़ा मोमोज हैं, अभी अभी स्टीम करके लाई हैं। तो अब मोमोज का सेवन किया जाएगा इस चटनी के साथ। बड़ी टेम्पटिंग लग रही है, बोलते बोलते मुँह में पानी आ रहा है। ओहो, बहुत ही मज़ेदार है। तो चलें मोमोज उठाए जाएँ, अपनी अपनी प्लेट में डाले जाएँ। और ये खाना ऐसा है ना कि बच्चे बच्चे को पसंद आता है। अब ये स्टीम मोमोज हैं, ना इस पे स्पाइस है, ना मिर्चे हैं, तो जाहिर है हर किसी को पसंद आएगा। चटनी तो भैया संभल संभल कर खाइए, किंग चिली राजा मिर्च जो पड़ी है इसके अंदर, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर क्वांटिटी में पड़ी है ताकि आप इसे एंजॉय कर सकें। ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गई तो फिर तो खाना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों थुक्पा की तरह ये मोमोज भी बहुत ही फ्रेश हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं, और इन्हें खाकर तो बस मज़ा ही आ गया। बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल एंजॉय करोगे, उंगलियाँ चाट चाट कर जो खा रहे हो। तो जी हमारी मील तो शुरू हो गई है, थुक्पा हो गया, मोमोज हो गया, अब आए मेन कोर्स की बारी। तो आजुई मैडम ने जो हमें सजेस्ट की थी चीज़ें, हमने वही मंगाई हैं। ये आ गया स्टीम राइस और ये है मणिपुरी फिश करी। देखिए आप समझ ही गए हम आपको क्या कह रहे थे, हर नॉन वेज डिश में खूब सारी सब्जियां पड़ी होती हैं। लोकल बीन्स हैं, कैरेट्स हैं, ब्रोकली है इसके अंदर, कॉलीफ्लावर भी है, और ये बाकी की डिशेस भी आ गई। इसमें तो लता जी के वेज आइटम भी नज़र आ रहे हैं। ये है नागा दाल, जो सोया बीन्स और अलग अलग प्रकार के बीन्स और हर्ब्स के साथ बनाई जाती है, बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही न्यूट्रिशियस है। और ये है मटन करी जो हमने मंगाई है, और ये है बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ना स्पाइस ना मसाले, लेकिन बहुत ही मज़ेदार। अजुई ने हमें बताया कि इस रेस्टोरेंट में जो सारा सामान आता है वो सारा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से आता है, माफ़ कीजिए, तभी ये खाना इतना ऑथेंटिक और इतना मज़ेदार बना हुआ है। यहाँ के स्पाइसेस, यहाँ की वेजीज और यहाँ का चावल, सब कुछ ये लोग वहाँ से मंगाते हैं ताकि आपको ये सीधा नॉर्थ ईस्ट पहुँचा दें। तो भैया मज़ा आ रहा है अपनी उंगलियों से खाने का इस मज़ेदार चावल और करी का। जैसे हमने आपको बताया था, करी में स्पाइसेस बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही लाइट ग्रेवी है, लेकिन टेस्ट में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बहुत ही अलग किस्म का टेस्ट है, लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ये आई चटनी, उबले हुए आलू और किंग चिली से बनाई गई चटनी। अब यार हमें समझ नहीं आया, हमने तो कभी नहीं सुना था कि आलू, उबले हुए आलूओं की भी चटनी बनती है। अगर आपकी कुजीन में भी कुछ ऐसी ही चटनी है जो कि मज़ेदार है और बिल्कुल अलग है, तो प्लीज़ अपने हमें अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं उस चटनी के बारे में, और हो सके तो रेसिपी के बारे में भी थोड़ा बहुत लिख दीजिए ताकि हम भी उसे बनाएं और खाएं। ये चटनी तो बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन हम धीरे धीरे संभल संभल कर खा रहे हैं। अब हम ट्राई करेंगे मणिपुरी फ़िश करी। ये बनाई गई है रोहू मछली से, जिसे मस्टर्ड ऑयल में डीप फ्राई किया गया है, उसके बाद ग्रेवी में डाला गया है। और ग्रेवी में भी जैसे मैंने आपको कहा,
सब्जियां भरपूर यानी कि पौष्टिकता से भरपूर खाना है इन लोगों का। लोग भी मजेदार, खाना भी मजेदार, जगह भी मजेदार। तो मणिपुरी फिश का आनंद लिया। अब लता जी हमें बताएंगी कि वेजिटेरियन खाना कैसा है। ये दाल है नागालैंड की, इसे लोग नागा दाल ही बुलाते हैं और ये नागा दाल खाई जाएगी चावलों के साथ और यहाँ पर इन लोकल वेजिटेबल्स के साथ। लोकल यानी कि मुंबई की लोकल नहीं, मणिपुर मेघालय की लोकल वेजिटेबल्स, पत्ते, लीव्स, हर्ब्स खूब यूज होते हैं इनके खाने में और साथ में चटनियाँ। उसके बिना हिंदुस्तानी खाना पूरा कैसा होगा? तो लता जी ज़रा बताइए, ये नागा दाल और चावल खा कर हमें बताइए कि क्या है इसका स्वाद। हाँ हाँ हाँ, चटनी के साथ। ओहो, आप लोग समझ ही गए होंगे कि लता जी ने कहा इट्स वेरी नाइस, बहुत ही मज़ेदार है। क्या कॉम्बिनेशन है, बीन्स हैं, पत्ते हैं, लोकल चीज़ें हैं, लोकल हर्ब्स हैं, तो ऐसा खाना खाकर तो मज़ा ही आ जाता है। लेकिन हमारे नन्हे मुन्ने साथी को नॉर्थ ईस्टर्न खाना कुछ ज़्यादा टेम्पटिंग नहीं लगा, ये ज़्यादा ही ईस्ट की तरफ चले गए और इन्होंने मंगाया है चाइनीज़ शेजवान राइस, जो कि हर बच्चे का फेवरेट खाना होता है। तो इन्हें भी अपना मज़ेदार खाना मिल गया, यानी कि थॉटन कैफ़े में चाइनीज़ भी मिलता है और नॉर्थ ईस्टर्न कुजीन भी मिलता है। जब आप मुंबई आएँ और कभी इस जगह में हो, सेंटा क्रूज ईस्ट कलीना में, तो इस खाने का मज़ा ज़रूर लीजिए। तो दोस्तों, चैनल देखते रहिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, टिंग टोंग, और हमारे वीडियोस और व्लॉग्स देखते रहिए। पहाड़ चढ़े थे तो पहाड़ तो उतरना पड़ेगा ही, तो पहाड़ से उतरे, थॉटन कैफ़े के बाहर आए और चल पड़े। तो दोस्तों, अगले व्लॉग तक खाइए, पीजिए, ऐश कीजिए और हमें याद कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।